काम गृहस्थी पे कितना बोझ पड़ रहा है उस पे? देखिए इसका सिलेंडर बढ़ने का 144 रुपए 5 पैसा जो इकट्ठे बढ़ाया, ये सबसे बड़ी बात, 6 साल में सबसे बड़ी वृद्धि है ये। और दूसरी बात, 6 अगस्त से लेके 6 बार दाम बढ़ा, तो इसका सीधा असर तो किचन में पड़ता है और जिससे महिलाएं, अब हम लोगों का बजट जो है इससे बिगड़ जाता है। हम अंडर प्रेशर कर कि कितना कम गैस जलाए, कितना हमारा ईंधन में खर्च हो जाता है और इसलिए हम लोग सीधे प्रभावित होते हैं। इस तरह की महंगाई जो गैस सिलेंडर पे आती है, जो बहुत एसेंशियल है, जिसके लिए चूल्हा बजा देते हैं कि हम गैस सिलेंडर से महिलाओं को, सारा बजट आपका बिगड़ रहा है, महिलाओं का, गरीबों का बजट पे। तो हमारे इसके 150 रुपए 140 रुपए जोड़ा तो मान लो 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर है तो आप समझ सकते का अंतर पड़ेगा। सैलरी में तो बढ़ा नहीं और कहीं तो और बढ़ा नहीं, मजदूरी में, महंगाई देख लीजिए कितनी इस कदर बड़ी। तो हम लोग सीधे प्रवाह। नाम मैडम, नाम बता। मेरा नाम डॉक्टर सत्य पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, जी जिला प्रभारी इलाहाबाद। सर किस लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है? आपको पता है कि रसोई गैस का दाम में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। रसोई गैस एक ऐसा है जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज उपयोग करने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से गरीबों को सिलेंडर दे करके, लालच दे करके उन्होंने हर घर तक पहुंचा तो दिया, लेकिन बाद में वो सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं और आज इतनी ज्यादा बेतहाशा वृद्धि हो गई कि हर गरीब किसान मजदूर इससे बुरी तरह से परेशान दिखाई दे रहा है। इन्होंने तमाम चीज़ों में दाम तो बढ़ाया ही, इस रसोई गैस के दाम में बढ़ा करके आम जनजीवन की सोच को प्रभावित किया है। आज रसोई गैस में बेतहाशा वृद्धि से गरीब मजदूर किसान बुरी तरह से प्रभावित है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। और इस योगी मोदी सरकार को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भी प्रतिलिपि भेज दिलवाते हुए यह निवेदन करना चाहूँगा कि आम देशवासियों को, गरीब किसान मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा की जा रही बेतहाशा वृद्धि, चाहे गैस सिलेंडर की हो चाहे दूसरी वृद्धि हो, उसको रोकना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करते, हम अपना विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए और बढ़े हुए गैस के दाम को वापस किया जाए, जिससे आम जनमानस राहत महसूस कर सके। सर ये 144 रुपये आज के पहले कभी नहीं वृद्धि हुई है। 144 रुपये एक बार में वृद्धि करना, ये तो अपने उस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि अमीरों का कर्जा माफ किया, गरीबों के साथ छलावा किया, इनके जो अमीरों के साथ जो है लगाव है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये गैस सिलेंडर जहां से जैसे होता है इसका व्यवसाय अमीर कर रहा है और उपयोग आम जनता किसान मजदूर भी कर रहा है। परेशान तो किसान मजदूर आम जनता हो रही है और इसका लाभ अमीर ले रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट हो जाती है कि यह जन विरोधी सरकार है, इसकी सोच में आम जनता के प्रति लगाव नहीं है, इसको अपने उद्देश्य की पूर्ति में चाहे जो करना पड़े, चाहे जितना लोग परेशान हो, उसका कोई ध्यान नहीं है। 5 रुपए गैस का दाम बढ़ा दिया और गैस का दाम गांव के किसान से लेकर शहर तक के आम जनता का उपयोग जो आवश्यक है इसको अनायास बढ़ा दिया। और उस समय बढ़ाया जब लोग दिल्ली के चुनाव के नतीजों में टीवी देख रहे थे, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे मोदी सरकार अनायास जनता से दोहन करके अडानी को सीधा फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। आज देश जिस स्थिति में खड़ा है, आम आदमी परेशान है, अनाज ले लिया मनरेगा से, मजदूरों का पैसा खा लिए, अब आज सीधे सीधे आम आदमी के घर में घुसकर ये पैसा लेने का काम, चुंगी वसूलने का काम कर रहे हैं। अगर ये गैस सिलेंडर का दाम, गैस का दाम वापस नहीं किया गया तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं और उस आंदोलन कर लखनऊ में सीधे प्रदर्शन। पेट्रोलियम मंत्री मुर्दाबाद, 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 पेट्रोलियम मंत्री मुर्दाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब वापस लो, वापस लो, वापस लो। गैस का दाम हमें, महंगाई पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पेट्रोलियम मंत्री पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हम स्टाफ पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पीएम मोदी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। योगी आदित्यनाथ पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।